नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। करते हैं सुबह की शुरुआत इन बीसीएन की खबरों के साथ। जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। भारत जोड़ो यात्रा में विवादित टी शर्ट पहने युवक को पुलिस ने पकड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में लॉन्च किया 5G इंटरनेट। 8 शहरों में आज से मिलेगी सर्विस। अलीगढ़ के सरकारी स्कूल में टीडी डीपीडी वैक्सीन लगवाने के बाद 48 बच्चों की तबीयत हुई खराब। भारत में पाकिस्तान सरकार का ट्विटर अकाउंट हुआ बैन। एलपीजी कीमतों में राहत, दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर 25 रुपए हुआ सस्ता। मुंबई में बाइक सवार दो लड़कों ने 4 राउंड किए फायर, एक की मौत तो 3 गंभीर घायल। जापान के रक्षा मंत्रालय का दावा, उत्तर कोरिया ने संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल दागी। बम धमाकों से गूंजा काबुल, एक स्कूल और शिया बहुल इलाके में आत्मघाती हमला। स्कूल में अब तक 100 बच्चों की मौत तो कई लोग हुए घायल। आशा पारेख को मिला दादा साहेब फाल्के अवार्ड। शुक्रवार को 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड का हुआ रंगारंग आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सभी विजेताओं को सम्मान। और यूक्रेन के इलाके पर कब्जे के विरोध में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर भारत ने नहीं किया वोट।